हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। गाइस, आज हम फिर से एक बेस वेरिएंट्स कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि वॉक अराउंड यूट्यूब चैनल ही उन चुनिंदा चैनल्स में से एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए टॉप वेरिएंट्स के साथ साथ मिड वेरिएंट्स और बेस वेरिएंट्स कंपैरिजन वीडियोस भी बनाकर आप तक पहुंचाता है। और आज की इस वीडियो में जो हमने कार्स ली है वो है किया सोनेट HT-E और वेन्यू ई। जैसा कि आपको पता है कि किया और ह्यूंडई दोनों ही सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं, इस वजह से सोनेट और वेन्यू का प्लेटफॉर्म, सस्पेंशन सेटअप, इंजन्स और ट्रांसमिशन सब के सब एग्जैक्टली सेम हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये अगेन एक बेस्ट वेरिएंट्स कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दोनों ही गाड़ियों की प्राइस बता देता हूँ। किया सोनेट HT-E की प्राइस है 6,71,000 रुपये एक शोरूम पेट्रोल में, और अगर डीजल लेते हैं तो 8,05,000 रुपये एक शोरूम। वहीं वेन्यू ई की प्राइस है 6,75,000 रुपये एक शोरूम पेट्रोल में, और अगर डीजल लेते हैं तो 8,16,000 रुपये एक शोरूम। तो आप यहां देख सकते हैं कि वेन्यू सोनेट से पेट्रोल में 4,000 रुपये ज़्यादा महंगी है, और अगर ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करेंगे तो यही 4,000 रुपये का डिफरेंस 7,000 से 8,000 रुपये तक चला जाएगा, और डीजल में 11,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। और अगर डीजल का ऑन रोड प्राइस कंपेयर करेंगे तो यही 11,000 रुपये का डिफरेंस 15,000 से 16,000 रुपये तक चला जाएगा। अब एक नज़र दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं वेन्यू से। तो वेन्यू की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,770 mm की, हाइट मिलेगी 1,605 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,500 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 190 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 350 लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की। वहीं सोनेट की लेंथ आपको मिलेगी 3,995 mm की, विड्थ मिलेगी 1,790 mm की, हाइट मिलेगी 1,642 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2,500 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 205 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 392 लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 45 लीटर की। तो आप यहां देख सकते हैं कि लेंथ, व्हील बेस और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम है, लेकिन सोनेट विड्थ में वेन्यू से 20 mm चौड़ी है, सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस वेन्यू से 15 mm ज़्यादा है, और सोनेट का बूट भी वेन्यू से 42 लीटर बड़ा है। और सोनेट अब आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस ऑफर करती है। इससे पहले सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में WRV सबसे बड़ा बूट स्पेस ऑफर करती थी, जो है 363 लीटर का। अब फीचर्स की बात करें तो कॉमन फीचर्स के नाम पर दोनों ही गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग, मैनुअल AC, फ्रंट पावर विंडोज़, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग, फुल व्हील कैप्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर, फ्रंट सीट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट और इको कोटिंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। लेकिन यहाँ मज़े की बात यह है कि सोनेट HT-E सस्ती होने के बावजूद आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा ऑफर करती है जो आपको वेन्यू ई में नहीं मिलते। सोनेट HT-E में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर AC वेंट्स, रियर 12-volt सॉकेट, बॉडी कलर्ड ORVMs और रूफ एंटीना जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वहीं वेन्यू ई में भी आपको दो ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको सोनेट HT-E में नहीं मिलते, और वो दो फीचर्स हैं आइसोफिक्स चाइल्ड सपोर्ट और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोडोर अनलॉक। अब इंजन्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन मिल जाता है। पेट्रोल इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 83 PS और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और ये इंजन दोनों ही गाड़ियों में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 17.52 KMPL ARAI वेन्यू के साथ और 18.4 KMPL ARAI सोनेट के साथ। वहीं इन दोनों ही गाड़ियों में आपको एक 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन भी मिल जाता है, जो 100 PS और 240 न्यूटन मीटर
टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस इंजन की माइलेज है 23.4 के एमपीएल एआरएआई वेन्यू के साथ और 24.1 के एमपीएल एआरएआई सोनेट के साथ। इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरियंट्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी का बेस वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए। देखिए, वेन्यू और सोनेट का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी जगह बेहतर होगा कि आप नेक्सॉन पेट्रोल के बेस वेरिएंट के साथ जाएं। आपके लिए मैंने नेक्सॉन और वेन्यू के बेस वेरिएंट का कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको यहाँ नेक्सॉन पेट्रोल का बेस वेरिएंट क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। रही बात डीजल इंजन की, तो डेफिनेटली आपको सोनेट एचटीई के साथ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये वेन्यू ई से सस्ती भी है और रियर एसी वेंट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स जैसे फीचर्स भी ज़्यादा ऑफर कर रही है। फिर सोनेट में आपको ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है और सोनेट आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा 392 लीटर का बूट स्पेस भी ऑफर कर रही है। तो ऐसे में अगर आपको 7 से 7.5 लाख रुपये के आसपास एक पेट्रोल एसयूवी चाहिए तो आपको नेक्सॉन एक्सई पेट्रोल के साथ जाना चाहिए। और अगर डीजल इंजन आपकी रिक्वायरमेंट है और आप कन्फ्यूज हो रहे हैं वेन्यू ई और सोनेट एचटीई में से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सोनेट एचटीई डीजल के साथ जाना चाहिए। तो इस कंपैरिजन की विनर है किया सोनेट एचटीई फॉर श्योर। तो गाइज, ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन ह्युंडई वेन्यू ई एंड किया सोनेट एचटीई। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मन में जो भी सवाल हो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।